कितना हो गया तुम्हारा केक का सीन? बन गया, बस 1 मिनट ही बचा मेरा। देख कितना अच्छा बना उसका, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इसको तो फटा भी नहीं। हाँ तेरा फट गया है, क्रीम लगेगी इसके ऊपर से। अपने साथ दिखाएगी आपको अपना केक। 1 2 3 टन। वाह नाइस। अरे वाह, तो सॉफ्ट भी है। भी अंग्रेज लड़के का देख के बनाया है। हाँ मुझे उसका अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा है। अब तो मेरा टेस्ट कर रही हो। मुझे ऊपर का ही अच्छा लग रहा है, चॉकलेट का कच्चे कच्चे मुंह में आ रहे हैं। केक बहुत परफेक्ट। शादी बॉडी ये थोड़ा वो वैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? वो कच्चे कच्चे मुंह में आ रहा है ना, मैं दाने डाल दिए। सजा दिया ऐसे, अब ऐसे मुझे ना खराब लगता है। अच्छा अच्छा है ना, मुझे को ऑर्डर आने लगेंगे। छोटा छोटा बना बना दिया करो सबको। रजा अपनी कंपनी में मुझे भी रख लेना। फोन भी तो कभी ना कभी तो परेशान करेगा ना। अरे रेहान इतना परेशान, पता नहीं कहाँ इसको शर्पी अलग ही चीज अच्छी लगती है। लोग खुशी में केक काटते हैं, आज हम दुख में केक काट रहे हैं। वीडियो एडिट करा रखा, मैं अपलोड नहीं कर पाई, फोन नहीं चल रहा ना। सनी भाई के फोन से वीडियो बना रही हूँ, सब खत्म। कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। The next day. यहाँ पे साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है। सौरभ सब मल्टी टास्क कर रहा है। क्या पढ़ी हो रिजा? इंग्लिश। नाना इसका अनबॉक्सिंग कर दे। आप करो, आप इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं? ये हमारी बहुत ही तौलिया है, कलर मुझे पता नहीं है। हम इसको डेली नहाते हैं, सुखाते हैं, फिर टांग लेते हैं यहाँ पे लाके। यही है। सारे पार्सल्स आज अनबॉक्स कर देंगे ताकि घर में ये सब ऐसे फैलावा ना पड़ा रहे। कि ये आया है हैंडमेड गिफ्टिंग की तरफ से। ये जब अपना न्यू रूम बनेगा इंशाल्लाह वहाँ पे रखेंगे। एस फॉर सबा, के फॉर खालिद, है रेजिन आर्ट का, इसे मैं जला के दिखाती हूँ। नाइस, थैंक यू सो मच। आचल आया तो काम इंस्टाग्राम का आधा हो चुका है, आधा चलता जाएगा। लेकिन डिनर की तैयारी भी करनी है, तो चावल तो है, सब्जी भी है दिन की, लेकिन दाल चाहिए सनी को, इसीलिए तुरंत की दाल पकाएंगे हम। मैं अपने लिए बनाऊंगी स्प्राउट सैलड अपने छोटे टमाटर के साथ। पहले मुझे अंगूर दे दो थोड़े से। अंगूर? हाँ। आपकी खिदमत में पेश है नजर सरकार। दीदी नहीं आती, बर्तन कम निकालना है, इसलिए डायरेक्ट इसी में काट के डालेंगे। हरी मिर्च ऐसे तोड़ दें। कुकर का घट्टन बोल रही हूँ, कुकर का ढक्कन लगा दिया और याद आया कि हल्दी नहीं डाली दाल में। चलेगा ना, हल्दी से कुछ नहीं होता, होता, है, होता है। दाल तो वैसी पीली होती है। तुम बताओ, दाल पीली ऑलरेडी तो हल्दी से क्या करते हैं? लास्ट में हल्दी डाल देना, वैसी करती है जब भूल जाती है। कच्चे अरे तो याद नहीं दिला देती। चलो भैया हल्दी डाल देते। लो भैया डाल दी, ठीक है। चम्मच गंदा नहीं करेंगे इसलिए इसको ऐसे ही हिला देंगे ताकि मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स दाल भी बनती जा रही है, साथ साथ वहाँ पे अनबॉक्सिंग भी चलती जा रही है, तो वो भी काम होते जा रहे हैं। काम होता है तो बहुत अच्छा लगता जाता है। तो ये हमें ज्वेलरी आई थी, अनबॉक्सिंग हो गई है। इस तरह की अनबॉक्सिंग देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये दाल ने आज इतने ज्यादा छटकारे क्यों मारे हैं? पूरे आसपास के बर्तन गंदे कर डाले। जहाँ पना आप तड़का जो है वो सिंपल लेंगे या थोड़ा चटकारेदार लेंगे? सिर्फ लहसुन और जीरा का? हाँ। या फिर टमाटर प्याज वाला? सिर्फ लहसुन और जीरा का। चलो शुक्रिया। तो तड़का रेडी हो गया है। हाँ। दाल खोल के डालो, देखो इतनी बड़ी बड़ी दाल थी, पूरी कच्ची रखी दाल। पानी और डाल इसमें बेटा, कुछ नहीं सिखाया इसकी अम्मी ने, इसको लग रहा है कुछ नहीं सिखाया। हाँ। पूरी दाल कच्ची रखी है, देखो बस ठीक है, अब सही है। तड़का तो रेडी हो गया, दाल नहीं बनी अभी तक का। अब मुझे लगता है कि 50 सीटी तो आई गई होंगी, बंद कर दो। एक बार केक खराब हो गया, अब दोबारा दाल का नंबर है आज। सऊदी वाले सबसे ज्यादा दाल या तो फिर मुर्गी, बस दो चीज। डेली दाल, डेली दाल, डेली दाल। जैसे यहाँ इंडिया में कहते ना, क्या बना है? आलू मटर, आलू मेथी। पूरी रेडी करके दिखाएंगे अभी। देखो हाँ, अभी देखो सही है। टमाटर पास। हाँ, टमाटर ये देखो, ये इतने मासूम टमाटर मैं आज खाऊंगी। हाँ। मैं बहुत देर से कंफ्यूज हूँ कि इन्हें काट के खाऊं या ऐसी गप पड़ा। टमाटर ही है, टेस्ट भी वैसा ही है। इसका तड़का देखिए फ्रेंड, दाल इतनी सारी और तड़का इतना सा। रुको, आपने सिखाया था ना? हाँ भाई। अरे ये तो चिपका ही नहीं। जो बहुत ज्यादा गर्म होगा, जब तुम उसको डालोगे तभी चिपकेगा ना वो। ये बन गई है सैलेड, ये खाऊंगी पहले और थोड़े से फिर चावल खाऊंगी। अभी एकदम से नहीं रोटी चावल छोड़ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह डिनर हो चुका है, अच्छा बना था। सनी को दाल अच्छी लगी, फाइनली वो अच्छी बन गई थी। किचन क्लीन करेंगे पहले, क्योंकि सुबह के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि सुबह उठ के भी खुद ही करना है, इसलिए अभी कर लेते हैं। पहले चटाई उठा के रख देते हैं। ये रहे किचन के कुछ हालात, इसे हम झट से ठीक कर लेंगे। अरे बर्तन जो है वो धुल चुके हैं, इसे बस खाना है, वो भी देखना है फ्रिज में रखना है या नीचे देना है। आ चुकी हूँ फ्रेंड्स मैं नीचे।